प्रभु श्री राम, माता सीता, भ्राता लक्ष्मण जी की महान कथा सुनाने जा रहे हैं। जब प्रभु श्री राम राज गद्दी पर बैठने ही वाले थे, सारी तैयारियां हो चुकी थी। सारी अयोध्या में हर्षो उल्लास का माहौल था। राजा प्रजा सभी खुशहाल थे। अचानक सारी खुशहाली दुखों के सागर में डूब जाती है, जब पता चलता है कि श्री राम को राज गद्दी के बदले 14 वर्षों का वनवास मिल चुका है। वन को चले अवध के राम, 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 वन को चले अवध के राम। अपनी अवधपुरी को करके, अपनी अवधपुरी को करके बारंबार प्रणाम, वन को चले अवध के राम, वन को चले अवध के राम, वन को चले अवध के राम, वन को चले अवध के राम। मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम, मेरे राम। त्याग कर वस्त्र राजगद्दी मिलते मिलते 14 वर्षों का वनवास मिल जाता है। श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी तीनों प्राणी गेरुआ वस्त्र धारण करके अयोध्या की गलियों से होते हुए अयोध्या से प्रस्थान कर रहे हैं। नर नारी, जलचर, नभचर, थलचर सभी हैरत में पड़ जाते हैं कि ये सब क्यों हो गया, कैसे हो गया। सबकी आंखें बरस रही हैं और श्री राम मुस्कुरा रहे हैं। राम वन गमन को निकले, अयोध्या तड़प रही है। राम को जाता देख के हर नजर बरस रही है। कोई डोल रहा है, हर कोई
सारी प्रजा, नर नारी बच्चे श्री राम जी की राह में आके खड़े हो जाते हैं। रास्ता रोक के रोते हुए बिलखते हुए हाथ जोड़ के कहते हैं, हे राम हमें छोड़ के मत जाओ, हमारे घर चलो, हम आपकी सेवा करेंगे, हमारे घर में रहकर विश्राम करो। कोई औरत सीता माता के पांव पकड़ के बोलती है, हे सीता माँ आप निष्ठुर कठोर जंगल में कैसे रहेंगी, रुक जाइए मत जाइए। कोई लक्ष्मण जी से विनती करता है कि लक्ष्मण जी आप भी रुक जाइए। रो रहे नगर निवासी, रोए साधु सन्यासी, छोड़ कर राज महल को हो गए क्यों वनवासी। नगरवासी साधु सन्यासी सभी रो रहे हैं, बार बार आग्रह कर रहे हैं कि हे राम हे लक्ष्मण हे सीता माँ अयोध्या छोड़ के मत जाओ। परंतु श्री राम मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं पिताजी की आज्ञा की अवहेलना नहीं कर सकता हूँ। 14 वर्षों के पश्चात पुनः अयोध्या वापस लौट कर आऊंगा। राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या छोड़ चले हैं, मन से यादों का रिश्ता सभी से तोड़ चले हैं। वर्षों तक तुम अयोध्या लौट के आओ। प्राणी अयोध्या नगर को प्रणाम करके आगे बढ़ जाते हैं। चलती चलती शाम होने को आ जाती है। शाम को वो गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं। गंगा के उस पार जाने के लिए सोचते ही रहते हैं, तभी उनकी नजर नाव में बैठे एक केवट के ऊपर पड़ती है। श्री राम जी केवट को बुलाते हुए क्या कहते हैं सुनिए। सुनो हे केवट भैया, हे नाविक नाव खेवैया, सुनो
सकेंगे तुम्हें कोई उतराई। प्रभु श्री राम केवट से आग्रह करते हैं, हे केवट भाई, हम तीनों को गंगा नदी पार करा दो, हमें उस पार जाना है, परंतु हम तुमको उतराई देने में असमर्थ हैं। केवट बैठा बैठा चुपचाप उनकी बातें सुनता ही रहता है। फिर वह बोलता है, मैं तुम्हें जान गया हूँ और पहचान गया हूँ, तुम्हें मैं ठीक तरह से जान भगवान गया हूँ। वन को चले अवध के राम।